60,000 का एक शीशा है, 60,000 का सीट जो है 1-1 लाख की सीट है, शॉर्ट रेशियोज है, LSD डाला हुआ है इसमें। अच्छा, भाई भाई इसकी पूरी वीडियो देखनी हो ना तो एक बार रब्बू ब्लॉग चैनल पे चले जाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रब्बू ब्लॉग। राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भी गाइस, मैं एक बार फिर से अंकुर भाई के पास आया हूँ। भाई की बिलेनो है, देख सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके की रहने वाली है बिलेनो, इसका हम आज रिव्यू करेंगे। तो अंकुर भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया। तो अंकुर भाई क्या बना डाला ये बिलेनो का है? देखो यार, ये तो मेरा बच्चा है। तो भाई ये मेरा बच्चा है, ये बिलेनो नहीं है। तो भाई ओनली वन इन इंडिया रहने वाली है। जैसा कि देख सकते हो बिलेनो ना भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। ऐसी बिलेनो आपने कहीं नहीं देखी होगी जिस तरीके से आज मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ ना। तो अंकुर भाई सलाम करता हूँ मैं आपको। इस तरीके से आपने काम किया है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। पहले सबसे पहले नीचे इंस्टाग्राम आ रहा होगा तो भाई को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे बिलेनो की आपको और काफी रील्स वगैरह वहाँ पे बहुत कैडी कैडी देखने को मिल जाएगी। गाड़ी में क्या क्या काम करवा रखा है, पहले ये अंकुर भाई से इसकी स्टोरी जान लेते हैं गाड़ी की, कि क्या स्टोरी रही है, कैसे कैसे। भाई ऐसा है, लोगों ने कहा था बिलेनो रेस के लिए नहीं बनती। अच्छा, मैंने बना दी। सीधी बात है, मैंने रेस के लिए कौन सी बिलेनो, ये वन इन इंडिया है। हाँ, ये मैं क्लेम करता हूँ, ऐसी बिलेनो दूसरी मिलेगी नहीं। और ये बिलेनो है भी, इसका नाम चेंज है, बीस्ट। बीस्ट भाई ने बिलेनो की जगह बीस्ट रख रखा है, गाड़ी का नाम बीस्ट है। और मैं से ट्रॉफीज भी जीत चुका हूँ रेस वॉर्स में, 2 ट्रॉफीज जीत चुका हूँ। हाँ। अपनी अप टू 1600 सीसी की कैटेगरी में। अच्छा, ये गाड़ी जीत चुकी है। तो एक बात और बता दूं कि भाई अपने रेसर है, अपना रेस वगैरह करते रहते हैं, तो उस हिसाब से भाई ने अपनी बीस्ट बना रखी है। बिलेनो तो छोड़ो, बिलेनो बिलेनो तो बहुत दूर की बात है, बिलेनो खत्म। बिलेनो का तो नाम ही नहीं है इसमें अब। तो शुरू करते हैं। वैसे आगे आप देख रहे हो ये कस्टमाइज फाइबर ग्रिल है, ये फाइबर बम्पर है पूरा एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ये शौकीन ने बनाया था। अच्छा, एंड ये जो बम्पर है ये बहुत लाइट वेट है। अच्छा अच्छा, बट ये फंक्शनल है क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा इंजन के लिए जाती है और यहाँ से गर्म हवा निकलती है। सो ये इनटेक है, यहाँ अगर आप हाथ देखोगे रख के तो हवा निकल रही है। ये इनटेक के लिए है। आगे अगर आप गौर से अगर पास में आओ तो आपको ये पाइप दिखेंगी जो ब्रेक ठंडी करने के लिए। ये जाली के पीछे पाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रेक के लिए जा रही है। ध्यान से भाई, ब्रेक के लिए जा रही है। फिर इसमें रैली लाइट्स हैं। अच्छा अच्छा, जो कि रैली के लिए आपको लाइट चाहिए होती है हेवी। हाँ हाँ, सो ये तब रैली के लिए यूज होती है। अच्छा अच्छा, अब कई लोगों का सवाल होगा नंबर प्लेट क्यों नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रोड लीगल नहीं है, ये टो होके जाती है, इवेंट्स के लिए है तो इसलिए ये है। अच्छा, मैं हर किसी को कहूंगा नंबर प्लेट चला के चलाओ, मेरी दूसरी गाड़ियां भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेस के लिए है। जैसा कि अपनी स्कोडा खड़ी है, इसमें लाइट्स अगर आप उधर से देखो तो डेमोनाइट डली हुई है। अच्छा, देख सकते हो भाई। एंड IPH के नहीं, ये GTR IPH प्रोजेक्टर्स हैं जो कि ट्रिपल है, येलो व्हाइट एंड मोम व्हाइट, ये तीनों चलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख, येलो व्हाइट में ही है ऐसा व्हाइट। तो अंकुर भाई ये अपने जो GT के प्रोजेक्टर है ये अपने कितने उसके रहने वाले हैं? ये 12,000 केल्विन है। अच्छा, इससे टॉप प्रोजेक्टर्स नहीं है भाई, इससे ऊपर है ही नहीं मतलब है। अच्छा, तो भाई देख सकते हो ये अपना बोनेट खोल दिया है, देख सकते हो भाई क्या लुक आ रही है, देख रहे हो ना भाई, भाई नेक्स्ट लेवल। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत बंदे बहुत कम करवाते हैं ऐसे रैप, देख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की। तो अंकुर भाई इसका गाड़ी का इंजन बिलेनो हमें कितना देती है? 1.2 देती है, बट 1.4 करा है हमने। अच्छा, आप आगे आ जाइए ताकि मैं दिखा पाऊँ क्या एग्जैक्टली है। भाई देख सकते हो आप, तो अगर आप इंजन देख रहे हो, ये इंजन का हेड चेंज है, इसमें कैम चेंज है, इसके शॉर्ट रेशियोज हैं, LSD डाला हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा, जो कि लिमिटेड डिस्क सस्पेंशन है, जो कि काम करता है आपकी पावर लॉस ना हो टायर्स में, पूरी पावर टायर में जा सके। HPI का फिल्टर है, देख सकते हो। ECU आपका ट्यून्ड है टू द टॉप, ट्यून बाय कुणाल शर्मा। अच्छा, स्पार्कीज गैराज से ये गाड़ी बनी हुई है। अच्छा, सो ये गाड़ी मेरे बड़े भाई स्पार्की एंड हम लोगों से एक ड्रीम था कि एक रेस कार बनाएंगे। अच्छा, एंड हमने बना ली है। तो इंजन मोड वाइज, पावर फिगर वाइज आप देख ही चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए। क्योंकि भाई अभी मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी भाई के साथ बैठ के, तो भाई एक नंबर भगती है जिस तरीके से, भाई मैं बता रहा हूँ भाई नेक्स्ट लेवल। इसका भी आपको दिखाएंगे कैसे भगती है, कितनी मतलब सेकंड में कैसे क्या सब बताएंगे। सो ये तो अंदर का है इसका हुड का। अच्छा, बाकी AK कस्टम से कस्टमाइज रैप हुआ है। AK कस्टम से देख सकते हो भाई,
जैसे एक एक सुन इसमें है ही, ऊपर वुल्फ है, लॉयन वुल्फ। अच्छा सॉरी थोड़ी बारिश में गाड़ी गंदी है, उसके लिए अपॉलोजी। साइड में ये पूरा रैप हो रखा है और इस रैप में मेरी शक्ल बनी हुई है, ये आंखें हैं, नाक है। अच्छा अच्छा हाँ भाई, ये नोटिस नहीं करा मैंने, पूरी गाड़ी देख ली, बैठ भी लिया, सो वीडियोस भी बना ली, पर अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे ना तो देखो यहाँ नीचे की साइड देखो, ये देखो भाई। ये रही आंखें, ये रही नाक। बिल्कुल भाई, अरे ये एक एक कस्टम से अपनी मॉडिफाइड एक कस्टम से रैप हुई हुई है। अलॉयज प्राडी के हैं, सीएट के स्पोर्ट ड्राइव टायर्स हैं। अच्छा 17 इंच, तो ये अपने 17 इंच के रहने वाले। ये 17 इंच है, बट रेस के टाइम ये नहीं जाते, रेस के लिए एमआरएफ के टायर्स चलते हैं। और जो मैं आपको कह रहा था ना कि पीछे हवा आ रही है, देखो ये छेद दिख रहा है आपको यहाँ से, पाइप जो है आगे से पीछे आ रही है ताकि ब्रेकें ठंडी रहे। जैसा कि भाई अभी आगे जाली में दिखा रहे थे, जाली में ठीक से दिख नहीं रहा था, अभी ये देखो ये रहा ये वो पाइप, ये छेद दिख रहा है साफ, ये ठंडी करने के लिए ब्रेक है। अच्छा अच्छा, गाड़ी के बम्पर वगैरह होल्ड करने के लिए क्लैंप्स लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ताकि ये इसको होल्ड कर सके, और ये अंदर गड़े हुए हैं इसमें। अच्छा अच्छा, रिबिट से। ये तो अगर स्टिकर की बात करें तो ये मुझे बताओ, ये इतने सारे स्टिकर क्यों चिपका रहे, क्या किस बेस पे कैसे? देखिए रेस के लिए जाते हैं तो स्पॉन्सर्स होते हैं। अच्छा, जैसे मोबिल वन है, साइलेंसर हाउस है जो साइलेंसर्स का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बीएमसी एयर फिल्टर है जो एयर फिल्टर आपने देखा है। अच्छा अच्छा, देन आपके पास कोबरा है जो सस्पेंशन है। अच्छा, लोअरिंग स्प्रिंग है, सुजुकी रेसिंग की मारुति। प्लस फिर जैसे मेरी वाइफ है, उनका बुटीक है, तो उनका प्रैक्टिकेशन। अच्छा, जैसा तो कि देख उनका वो स्पॉन्सर है, इस गाड़ी का मेजर बिल्ड तो उन्हीं के हाथों हुआ है। अच्छा, तो ये स्पॉन्सर्स के स्टिकर्स होते हैं, रेस में आते हैं कभी, जैसे आगे बीएनडी अगर आपको दिखेगा, ये देखिए रेस वॉज इंडिया है, ये पूरा रेस वॉज इंडिया का है। अब मैं जैसे बात कर रहा था, रेस के लिए आप ऐसे गाड़ी नहीं लेके जा सकते, ये देखिए स्क्रूटनी की, ये देखो स्टिकर है। अच्छा अच्छा, ये गाड़ी स्क्रूटनी होके जाती है, 31 मार्च 2024 को स्क्रूटनी होके स्टैंप लग के गई थी। अच्छा अच्छा, इसकी भी चेकिंग होती है। अच्छा, अच्छा। जो आरटीओ से भी तगड़ी होती है, देख लो भाई, आरटीओ से भी तगड़ी होती है, आपकी सबसे ऊपर होती है भाई, देख लो। मतलब अगर ये स्टिकर नहीं होगा तो ये ट्रैक पे चल नहीं सकते बिल्कुल भी। अच्छा तो भाई देख सकते हो, ये एक तरीके से यही मान लो चाबी है एक तरीके से। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे गाड़ी लो भी करा रखी है? हाँ लोड है, देखो भाई देख सकते हो गाड़ी इतनी लो है कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, कितनी इंच, 2 उंगली भी नहीं जा पा रही मेरी, देखो देखो ये फोन गया है बस, ये देख सकते हो। अब मैं ठीक से दिखा दूँ तो 1 उंगली और 2 तो फंस रही है, देखो भाई गाड़ी बहुत ही ज्यादा लो है। पीछे आपका अगर आप देखेंगे तो ये मेरा डिजाइन ही, शौकीन के थ्रू डिजाइन हमने करा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें एग्जॉस्ट है, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट है जो कि रैली के लिए होता है। अच्छा अच्छा, एंड स्पार्की गैराज जो हमारा गैराज है जिससे काम होता है सारा, हमारे बड़े भाई हैं भाई। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर इस टाइप में हाई लेवल में आपको मतलब कुछ भी काम करवाना हो तो आप स्पार्की गैराज पे आ सकते हो, वहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा, काफी अच्छा काम करते हैं, परफॉर्मेंस। ताकि पीछे कोई ना आए और पीछे किसी को पता चल जाए गाड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो ये F1 लाइट्स है, आपको बटन दिख रहा है लाइट कैसे ब्लिंक हो रही है, ये देख रहे हो। हाँ, ताकि पीछे पता चल जाए कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हाँ, उसको सामने गाड़ी दिख जाए। अब एग्जॉस्ट की अगर मैं आवाज चाहूँ तो एक बार आवाज सुननी एग्जॉस्ट की, तो भाई एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ। पहले ही बता रहे हैं थोड़ा संभाल के। अच्छा, ये गुर्राती है भाई, ने वार्निंग दे दी है पहले ही, संभाल के, मतलब बहुत लाउड होगा, ये गुर्राती है, आग उगलती है। तो भाई चलो देखते हैं, करो स्टार्ट। भाई ये क्या ड्रामा था। भाई मैंने कहा था ना गुर्राती है, मैं तो वैसे ही एग्जॉस्ट समझ रहा था, ये तो आग फेंक रही है। भाई करना एक बार और। भाई गाड़ी कैसी लगी? बहुत मस्त यार, घूम के आया हूँ। अच्छा अच्छा, देख रहे हो भाई, भाई सीधा जा रहे थे इधर को, घूम का आया गाड़ी देखने के लिए। अंकुर भाई फैन हो गए तुम्हारे। देख लो, भाई देखिए ऐसी ब्लेनो कभी,
मैंने देखी नहीं भाई, एक बार मैंने वो देखी थी। अरे स्विफ्ट देखी, मुझे लगा कि कौन सी गाड़ी है, मैं पहचान अच्छा। नहीं यार गाड़ी कौन सी है। अरे भाई स्विफ्ट तो कुछ नहीं है इसके आगे। बलेनो भाई बहुत तगड़ी लग रही भाई, एकदम अलग एकदम यार भाई। ये बहुत हाई लेवल की गाड़ी है ये। इंजन चेंज है, ट्रांसमिशन चेंज है, सब कुछ चेंज है। उसके स्पीड ज्यादा होगी बेटा, स्पीड भागते हो तगड़ी। उस दिन आप लेके गए थे बहुत साउंड कर रही थी इसमें, एग्जॉस्ट देख रहे हो भाई, फैन हो गए भाई। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई, एक नंबर भाई भी कह रहे एक नंबर है गाड़ी। तो भाई मजा आ गया सही में। भाई इसकी पूरी वीडियो देखनी हो ना तो एक बार रब्बू व्लॉग चैनल पे चले जाना। रब्बू व्लॉग, रब्बू व्लॉग भाई यही आ गया ऊपर। हाँ यही तो एग्जॉस्ट तो भाई बहुत बेहतरीन, नेक्स्ट लेवल। ऐसा मुझे लगता है ऐसा शायद किसी ने करवाई नहीं रखा, जिस तरीके से ये फायर छोड़ रहा है ना, ये तो आज तक किसी ने करवाया ही नहीं। मैंने भी बहुत गाड़ियां शूट करी है, एग्जॉस्ट वगैरह सुने हैं, लगवा लेते हैं, पर ये जो फायर वाला है ना ये आज तक किसी ने नहीं करवाया। जब ही मैं कहूँ आप वार्निंग दे रहे थे कि भाई ध्यान से, बहुत मैंने कहा था पहले ही पास आगे अपने हिसाब से आना। तो भाई देख सकते हो, अगर ये सब काम करवाना हो तो तुम स्पार्की गैराज पे आ सकते हो, भाई से कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। बिल्कुल बी वेयर मतलब सावधान। अच्छा सावधान, आराम से चलो, शराब नहीं पी रखी। अच्छा गाड़ी नीचे हो रखी है तो गड्ढे से बच रही है। तो भाई बहुत बेहतरीन, मैं सबसे मेन ये है। अच्छा अच्छा चेतावनी, गाड़ी बनी है ट्रैक्स के लिए, सड़कों के लिए नहीं भाई। ये हर किसी को मैं बोलता हूँ, सड़कों पे मत करो, अपनी और दूसरे की जान से मत खेलो भाई। सही बात है, सही बात, ट्रैक आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई क्या ही बताऊँ, क्या ही तारीफ करूँ गाड़ी की। भाई मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे बताया गाड़ी मुझे कैसी लग रही है, दिल आ गया सही कहूँ तो। फर्स्ट टाइम ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ, ओनली वन इन इंडिया रहने वाली है। जिस तरीके से गाड़ी बना रखी है ना, एक नंबर भाई। मैं फिर से एक बार सलूट करता हूँ, बार बार ऐसा मत कहना कि तारीफ कर रहे हो तुम भाई। भाई गाड़ी बनी तारीफ के लिए, देखो भाई देख सकते हो किस तरीके से भाई ने अपनी डिजाइन कर रखी है, एक नंबर। तो भाई देख सकते हो, और अपना पीछे ये स्पॉइलर हो गया, स्पॉइलर ये कौन सा रहने वाला है, ये भी ये कस्टम स्पॉइलर है जो कि डाउन फोर्स प्रोवाइड करता है गाड़ी को। अच्छा, ताकि पावर जब नीचे गाड़ी को बैठाया जा सके। अगर आप देखोगे पीछे वाला चौड़ा है ताकि ये हवा नीचे कर पाए। हाँ 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 भाई देख सकते हो, और ऊपर की साइड में दिखा दूं तो ये अपना एक सार्को एंटीना बोलते हैं ना इसको, शॉक फिन एंटीना। हाँ बड़े किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें म्यूजिक बंद करा रखा है। अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी है ना, म्यूजिक सुनना तो बहुत हो गया। हाँ वो तो फिर उसका भी वजन बढ़ेगा, लाइट बॉडी वेट चाहिए इसमें रेसिंग के लिए। बिल्कुल तो। और शीशे अपने ये कैसे है जो ये मतलब साइन मार रहे है, ये क्रोम शीशे है। अच्छा अच्छा ये क्रोम शीशे खुद 60,000 के आते हैं एक शीशा। एक शीशा बट ये इसलिए है ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा। अच्छा अच्छा एक्रेलिक फ्लेक्सिबल है ये। मैं तो सोच रहा इस पे कोई रैप हो रही होगी, वो हो रही होगी भाई। ये देख लो कितने हजार, कितने उसका था ये, 60,000 का एक शीशा है। 60,000 का, ओ भाई 60,000 के तो भाई देखो एक शीशा है तो चारों शीशे मान लो कितने कितने के हो गए भाई। भाई ओनली वन इन इंडिया रहने वाली है ये गाड़ी। भाई मैंने कहा था ना शुरू में कि जो ब्लॉग नहीं देख रहा है ये ब्लॉग देख लेना, दिन अच्छा चला जाएगा। तो भाई देख सकते हो गाड़ी की लुकिंग कुछ इस तरीके की रहने वाली है, मैंने चारों तरफ से आपको दिखाई दिया है, कवर कर दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर, अंदर देखते हैं भाई ने किस तरीके से गाड़ी बना रखी है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ट्रैक की गाड़ी कैसी होती है कैसी नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर, आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर। अब ये देखना गाड़ी की लुकिंग कुछ इस तरीके की, ये देखो ये अपना यहाँ पे भाई ने अपनी वो डिजाइनिंग वाली मतलब ये मतलब अंकुर भाई ये मतलब जैसा ये रैप करा रखी है स्टिकर वगैरह, ये स्टिकर है देख लो भाई, ये स्टिकर है कुछ इस तरीके से। इतने सारे स्टिकर कैसे अंकुर भाई? बस भाई ढूंढ लिए। ढूंढ लिए तो भाई देख सकते हो। तो इनका ये बेसिकली लुक के लिए है या ये लुक है? अच्छा लुक के लिए है ना। हाँ शो थोड़ी लगनी चाहिए ना गाड़ी। अच्छा अच्छा हाँ तो ये अपनी लुक के लिए है देख सकते हो। अब आ जाते हैं थोड़ा अंदर, अंदर देख लो भाई अंदर गाड़ी की सीट वगैरह ना कुछ इस तरीके की है। सीट देख लो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके की रहने वाली है। अब आ जाते हैं थोड़ा अंदर,
तो अंकुर भाई मुझे एक एक करके बताओ गाड़ी अंदर से क्या क्या चीज है, कैसे कैसे सब एक एक करके बता दो। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर भाई मजा आ जाएगा वीडियो में, जो बीच में क्या क्या काम करवा रखा है तो बताओ अंकुर भाई क्या क्या चीज है। सो पहले तो आपको सीट दिख रही है? हाँ बिल्कुल, ये सीट जो है 1-1 लाख की सीट है। अच्छा, जो बाहर से आती है रैली के लिए। अच्छा अच्छा। दूसरा इसमें जो है स्विच, आपका रैली एग्जॉस्ट लगा हुआ है, रैली एग्जॉस्ट। अच्छा, आवाज जो आपको आ रही पीछे। अच्छा, और बताइए। और इसमें हमारा LSD हो रखा है जो कि लिमिटेड शिफ्ट डिफरेंशियल है। अच्छा, जिससे गाड़ी और तेज भागती है। अच्छा, और तेज चलती है तो। अच्छा, जिससे पावर लॉस नहीं होता किसी भी टायर में, LSD डाला हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा। एंड कस्टम ट्यून है बाय कुणाल। अच्छा, शर्मन जी जो हमारे हैं कुणाल ट्यूनर्स हैं। अच्छा, जो कि स्पार्की के कुणाल ट्यूनर हैं। अच्छा, उन्होंने कस्टम ट्यून कर रखा है इस गाड़ी को। अच्छा, स्पेशली रेस के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। अच्छा, रेस में अच्छी चले। बाकी इसमें जो बाकी चीजें वो मैं बता नहीं सकता, कॉम्पिटिशन के लिए ना अच्छा कुछ चीजें रखनी पड़ती है जो आप नहीं बताना चाहते। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो कंपटीशन के लिए हम बताते नहीं है किसी को। अच्छा अच्छा। बट ये लोड बहुत है, आपको हर झटका महसूस होगा। हाँ हाँ हाँ। पावर इसमें काफी तेज पावर है, तो कभी भी कोई आता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ भाई पावर के बात तो ना ही करो, पावर फिगर्स की इसकी। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जितनी तेज में एक्सेलरेशन पकड़ती है कोई गाड़ी नहीं पकड़ती। अच्छा, तो भाई देख सकते हो जैसा कि सीट हमने बता दिया था, ये देख सकते हो भाई भाई बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा देख सकते हो। तो भाई देख सकते हो जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। बेसिकली हमने माइक लगा रखा है तो माइक से नहीं पता चलेगा, तो एक बार चलो ये भी सुना देते हैं आपको एग्जॉस्ट का भी, तो एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हैं जरा। स्पीड देखना भाई कितने सेकंड में। बस क्या ही तारीफ करूं गाड़ी की भाई, नेक्स्ट लेवल। एक बार और एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं जरा ठीक से। करो स्टार्ट, ये देख लो भाई 3-4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड।10 सेकंड के अंदर ही आ गए थे हम। बताओ यार, देख रहे हो भाई बस गियर में दिक्कत है क्योंकि इसमें जो गियर है वो सीक्वेंशियल डाला हुआ है, तो इसलिए थोड़ी इशू गियर में। यार आज पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, पर मैंने देखो आपको दिखाई दिया था जो टाइम है अभी। बाकी तो इस गाड़ी के लिए यही सब है इसमें, ऐसा कुछ ले तो ये मेरा बच्चा है तो तो भाई देख सकते हो, बच्चा तो मेरा ही है तो मेरे लिए तो अलग ही सीन है। बट हाँ ये कह सकता हूँ कि अपनी कैटेगरी में बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। बिल्कुल भाई मैं सूट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी गियर नोक प्रॉब्लम हो रही है, ये तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 11 सेकंड में मैंने अभी ऐसा कुछ देखा था कि 90-100 के अराउंड स्पीड हो गई थी। हाँ, थर्ड गियर में हम थे, थर्ड गियर से मैंने उठाई थी गाड़ी और फिर दूसरा क्या दिक्कत है ना कि फर्स्ट और सेकंड लग नहीं रहा। दूसरा दिक्कत ये है देखो, एक तो गियर में नोक में, इसमें गियर में दिक्कत हो रही है, दूसरा रोड है, रोड पे क्या है ना एक्चुअली बीच में ना कोई भी आ जाता है, इसलिए मैं तेज नहीं चला, इसलिए मैं रोड पे चलाता हूं। और फिर नाइट का टाइम है, दिन में तो ये है कि दिख जाता है प्रॉपर, अभी जो नाइट है ना नाइट में थोड़ा सा देख के और चलानी पड़ रही है भाई को। हाँ तो ये है कि मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही
करूर रोड पे, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं नहीं चाहता किसी को भी दिक्कत हो यार, क्यों किसी को परेशानी। बिल्कुल, तो इसमें सच कंपटीशन वाली दो तीन चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, बट गियर बॉक्स इसका चेंज्ड है, इतना मैं बता देता हूं। अच्छा अच्छा, इसका इंजन चेंज्ड है। अच्छा अच्छा, इसमें लिमिटेड शिफ्ट डिफरेंशियल लगा हुआ LSD जिसे कहते हैं, जो कि BMW गाड़ी में लगता है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, वो लगा हुआ है इसमें, और कई सारी चीजें लगी हैं छोटी मोटी। अच्छा, जिससे इसकी पावर और बढ़ती है। सीट बेल्ट जैसे ये हैं, ये हमारी रेसिंग सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट भी बहुत ही अलग है, देख सकते हो कुछ इस तरीके की है। एक यहाँ से निकलती है ये साइड से, और एक भाई के नीचे से, और एक उधर साइड से, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से सीट बेल्ट है, देखो इस तरीके से लगती है ये प्रॉपर, अपनी यहाँ लग गई है ये। परफेक्ट, सो ये एक लग गई, ये देख सकते हो भाई, एक ये, हाँ ये 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 ये, और एक प्रॉपर एक ये जो नॉर्मल हमारी जैसी गाड़ी में होता है ना, एक ऐसे देखो, ये भी इसी में ही लगती है ऐसा करके, ये देख सकते हो चार लग गई। हाँ, ओ तेरी भाई, अभी और है क्या? अब ये टाइट हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, अब आओ आ जाओ इधर बैठने, मेरा हाथ क्या, मैं बॉडी भी नहीं ला सकता, खुद हिला के दिखा दो मुझे। आप लो हाथ पकड़ के खींच के देखो, हम भाई बिल्कुल लॉक हो गया, लॉक अनलॉक करना है सिंपल। अच्छा अच्छा, ये एक साइड में ये बटन दे रखा है इसका, देखो ये देख सकते हो यहाँ से, और ये सीट भी अगर आप देखोगे ना, इसमें लिखा होता है कब तक के लिए है, क्या है। अच्छा, और ये यहाँ देखो पीछे चैसी से बनी हुई है, आपकी जान यही बचाती है। मतलब ये सीट बेल्ट ऐसी है कुछ इस तरीके की, देख सकते हो कितनी चौड़ी है, और मतलब इसका लॉक ही अलग है कि पूरी तरीके से ना बॉडी को लॉक कर लिया, जिससे बंदा बिल्कुल हिल ही ना पाए, मतलब बंदे को कुछ नहीं होगा। हाँ, आगे पीछे साइड स्वीट कहीं नहीं जा सकता बंदा, बिल्कुल पकड़ लिया मतलब एक तरीके से, ये मान बंदे के हाथ में होता है फिर सब कुछ। और देख सकते हो भाई, और इंटीरियर हमारा कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये कौन सी एमरेन लाइट रहने वाली है? ये कार्डी की बहन है, क्योंकि इसको अगर आप चेंज करना हो तो यहाँ बटन है। अच्छा, ये देखो कलर चेंज हो रही है, ये देखो ये हो गया चेंज, ये KRD की बहन है अंकुर भाई। हाँ, ये नकली कार्डी है, क्योंकि कार्डी इतना पावर, क्योंकि कार्डी ना बैटरी लेती है। अच्छा, और मुझे इसकी बैटरी सेव करनी होती है बाकी चीजों के लिए। अच्छा, तो भाई देख सकते हो कुछ इस तरीके की। और ये स्टिकर वगैरह ये लुक के लिए है ना, ये सब लुक, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के। और पिलर वगैरह अपने भाई ने रेड कलर रखे, थोड़ा मैचिंग है तो इसलिए। अच्छा, और कुछ सर्च नहीं करा है। हाँ, इसमें जो फ्यूल है वो 100 octane डलता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि नॉर्मल फ्यूल नहीं है, तो वो फ्यूल भी मतलब कुछ अलग ही है। हाँ, फ्यूल अलग है, वो 100 octane डलता है। अच्छा अच्छा, एंड अगर मैं जैसे और गाड़ियों में अगर बात करें तो कितना लीटर गिर जाता है? देखिए वो तो देखो, नॉर्मल गाड़ी में जो फ्यूल होता है वो अलग होता है, इसमें फ्यूल डलता है 100 octane। 100 octane मतलब क्योंकि BMW ऑडी की C4 में डलता है वैसा फ्यूल। अच्छा, मतलब बड़ी ऊंची लेवल का, ऊंचे लेवल का फ्यूल है वो, मिलता ही 160 रुपए लीटर है। बताओ भाई, देख रहे हो, तो शौक जब ये रेस का होता है तो फिर आपको हर चीज ना उस हिसाब से करनी पड़ती है। एक सेकंड में भाई का भी आ गया मैसेज, ये देखो जैसे ये अभी पिछली बार ट्रैक की है, कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, तो ये ट्रैक की है और मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये फोटो लगा के, ये देख सकते हो। तो हमें हेलमेट पहनना होता है इसमें भी अंदर। हाँ जी, अच्छा, क्या ये देखो टायर्स, देखो मैंने कहा था ना टायर स्टील रिम में। हाँ बिल्कुल, गौर से स्टील रिम में। अब ये देखो ट्रॉफी मेरी जिस गाड़ी के साथ, ये देख सकते हो भाई, ये है ट्रॉफी जो अपनी कैटेगरी में जीती है। ये हमारा फ्यूल होता है जो शेल का फ्यूल है, देख लो भाई इस तरीके लिखा है डुकाटी, देख रहा हूं पूरा। हां, ये रहा सारा है ना, ये सारी फ्यूल है। हां यार, 60-70 हजार का तो फ्यूल खा जाती है। 60-70 हजार का? हां, ओ तेरी भाई, इसकी मेंटेनेंस जो है एक ऑडी गाड़ी से कम नहीं है भाई, देख सकते हो। तो आज भी आप सुबह से आए हुए पूरे टाइम, इसका ऑयल नहीं आया इसलिए 2.5-3 घंटे हम गियर ऑयल नहीं आया तो उसके लिए वेट करना पड़ा। मैं गाड़ी को पंगे ही नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है बनाई क्या चीज है, जो चीज बनाई है किस चीज के लिए, उससे छेड़खानी क्यों करूं।
तो भाई देख सकते हो इस तरीके से सीट वगैरह भी कुछ इस तरीके से भाई ने अपनी वो करके, मतलब रेसिंग वाली ट्रैक वाली है और बहुत महंगी सीट है, पीछे की जो सीट है वो हट जाती है रेस के टाइम पे, कुछ भी नहीं होता, खाली इसमें टायर होते हैं बस। अच्छा, वहां जाके टायर उतारते बस। तो भाई देख सकते हो। तो भी गाइस वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में मुझे बताए गाड़ी कैसी लगी है, और भाई को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करे, वहाँ पे आपको बहुत कड़ी कड़ी रील्स आपको देखने को मिल जाएगी। ओनली वन इन इंडिया रहने वाली है ये बीस्ट, बीस्ट बलेनो तो भूल जाओ, बलेनो इसका नाम कहीं भी नहीं है, बीस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।